ये जो यहाँ पर जो काम कराया जाता है इसमें 3 साल लगते हैं टोटल में? जी जी 3 साल है। मिसाल साले होल में आसोल फवाद जो मुझे शादी पाई वो बढ़ाते हैं, बच्चे जो पुलिस से लेकर आती है उर्दू से ना समाप्ति होती है। उर्दू और आसोल फवाद नूरानी कायदा हम लोग जो है तो पारियाम के साथ पढ़ा, क्योंकि नूरानी कायदे के अंदर वो पढ़ा है तो आसोल फवाद हम लोग पढ़ा। दीनियात के तलबा की बिल्डिंग है, इसमें तकरीबन 4,000 तलबा है जो नूरानी कायदा नादर कुरान और अल्लामा बिलकलम का जो शोबा है यहीं चलता है। किधर से किधर जा रहा है? अपनी तख्ती के बीच में एक अलीफ लिखी है ऐसा। तेरी टोपी कहाँ है? इतना कुछ शोर नहीं है, देख क्या ये हाल है हमारा। बैठिए बैठिए। कितने हिस्से हुए? कितने हिस्से हुए? चलिए मेरा किधर से किधर जा रहा है? बोलो क्या बना? अब यहीं से इतना बाहर आ जाइए, अलीफ लगा दो, क्या बन गया? चलो हाथ चलाइए इस पर, लिखते हुए पढ़ते मीम, लिखते जाओ पढ़ते जाओ मीम, लिखते जाओ पढ़ते जाओ। हमने बस अलीफ का भी देखो, अलीफ भी निकालो। अरे हाँ खड़े हो खड़ा है यहाँ बाप रे इतना जिसमें का लगता है कम मत जल्दी जाओ। आज का होमवर्क भी देखा हूँ मैंने, आज क्लास में ले आया हूँ, दिखा देता। ये अलीफ से जो 4 हिस्से हमने बनाए हैं बढ़िए। अब गिनती करना है 1 2 3 कितने अलीफ है? आसमानी किताबें कितनी है? हाँ पहला अलीफ छोड़ दो, इसको इसमें मिला दो, यहाँ से इसमें मिला दो और यहाँ से इस तरह लगाओ, क्या बन गया? चलिए गिनती
भाई किसको छोड़ दो, इसको यहाँ मिलाओ, यहाँ से लगाओ, क्या बना? अल्लाह। इला। इला। क्या हुआ? ला इलाहा। ला इलाहा। इसको ये छोड़ दो, क्या हुआ? इल्लल्लाह। इसको छोड़ दो, इसको मिला दो, क्या हुआ? तो इस तरह बच्चों में रगबत भी पैदा होती है, खेल के खेल और पढ़ना के पढ़ना और लिखना के लिखना। अब ये दो हिस्सों को यहाँ पर क्रॉस लगा दो, यहाँ से दो हिस्से यहाँ जाओ, नुक्ता दो, क्या बना? नुक्ता मिटा दो, क्या बना? तो एक नंबर हमने अरबी के 29 अरफों को 8 हिस्सों में तस्लीम की। एक नंबर में 4 उर्फ, अलिफ, मीम, ओ, नुक्ता दिए। दो नंबर में 5 हुरूफ, बा, दा, बा, कौन सा काफ है ये? अब छोटे काफ बड़े काफ बोलेंगे? नहीं। अब इसी तरह ये सीधा चढ़ा धाम, यहां से उल्टा गोलाई लगा दो, क्या बन गया? हाँ। दे दो जी। तीन नंबर में 3 हुरूफ, जीम है ख। 4 नंबर में 5 हुरूफ, चॉकलेट चौकला रहे हम जल्दी। दो लकीर यहाँ तक ले लो, इसको इधर घुमा दो, क्या बना? दाल के ऊपर नुकता दो, यहाँ पर एक लकीर लगाओ, ये मिटा दो, क्या बना? क्या बना? नुकता दो, यहाँ गोल मुंडी लगा दो, क्या बन गया? तो ये 5 रूप एक हल्फे से बन जाएगी। पांच नंबर में 3 हुरूफ, ये पहला शीर्षक, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये छोटा इसको थोड़ा बड़ा करो और इसमें पूरी गोलाई लगा दो उल्टी, क्या बन गया? 3 नुक्ते दो, ऐसे एक सर लगा दो गोल ताम का, क्या बन गया? ता हो चुका है अपना। अब ये 4 हर्फ इसमें बन गए। 6 नंबर में 3 हुरूफ, ये फा, फा के अंदर पूरी गोलाई लगा दो, शीन वाली अलीफ लगा दो, दोनों को मिटा दो, नुक्ता लगा दो। तो इसमें क्या है कि बच्चा लिखता भी है और खेलता भी। 6-7 नंबर में 3 हुरूफ, क्या है के अंदर गोलाई पूरी लगा दो, नुक्ता दे दो। अब उल्टा नीचे आ जाइए और क्या हुआ? 7 लिखो, गोलाई लगा दो, उनतीस हर्फ की मशक करा दे। उसके बाद अलीफ के साथ 11 शक्लों में 22 रूप मुरक्कब। एक शीर्ष से 5 हुरूफ, नुक्ता, ये मुरक्कबात के उस तरह हाके सर से 2-3 हुरूफ, हा जीम खा, इस तरह जो मुरक्कब सिर्फ 5 हुरूफ ऐसे जो दाएं तरफ से मुरक्कब नहीं होते हैं।
और हमजा, फिर दो नक्शे, एक नक्शे से 13 हरूफ मुरक्कब बनते हैं। ये पहला नक्शा, इससे 13 हरूफ बनेंगे। नुक्ता लगाइए, नून बोलो, बच्चे पहचान ले रहे हैं, अभी मुफरदात भी मुकम्मल नहीं हुए, 13 हरूफ भी है। दूसरा एक नक्शा और है जिससे 9 हरूफ बनते हैं, जिससे 9, अब इसी को यहाँ से अगर जॉइन कर दो तो 22 हरूफ एक साथ हो जाए। अगर हमारे बच्चे 22 हरूफ एक साथ लिख लेते हैं, वो बिना झिझक बारायण निकालो, कुरान करीम निकालो, जो आपके सामने नमूना पड़ा है वो बच्चे पहले साल के बच्चों ही लिखा लो। लेकिन आपने तो एक 10 मिनट में देख लिए, पूरा साल ششماہی तक हमारा इसमें वक्त लग जाता है। ठीक है, चलिए मेन मश्क से ताल्लुक, बच्चा जितना मश्क करेगा उतनी रैंकिंग बनेगी। अभी कल मैं अलीफ लिखा रहा था तो एक बच्चे ने शुरू कर दिया इसे, मैंने बोला बिल्कुल सीधा आना, बिल्कुल ऐसा अपने से ज्यादा दिमाग लगाते हो, अबल अदर बिल्कुल सीधा आ गया। मैं बोला क्या क्या बोल तू, मैं बोल बोल कापी लिया है या रजिस्टर लिया या स्केल लिया, बोला अगर तकतीफी थी। इस चीज़ से बचाना है बच्चे, बच्चा खुद अपने हाथ से बिल्कुल एक के ऊपर एक ये लेंथ दी, फासले से इस तरह निकाली, इंशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत में काम करेगा।